दोस्तों ये है फिलिप्स का क्रिस्टल वाइट 30 वॉट टी बल्ब, और मैं आपको इसके सारे फीचर्स तो बताऊंगा ही, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किसको ये लाइट खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ बॉक्स पे क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है फिलिप्स स्टेलर ब्राइट टी बल्ब क्रिस्टल वाइट, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाइडर लाइट स्प्रेड। और इस साइड में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे और पीछे की साइड में क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया है। और स्विवल बॉडी एक्शन का मतलब है आप लोग 360 डिग्री आप लोग कहीं पे भी इसको घुमा सकते हो इधर उधर, और ऊपर नीचे भी आप लोग एंगल को कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है जो कि फ्लिकर नहीं करती है वो वाली टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इसमें इस साइड देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स प्राइस इसमें दी गई है 799 रुपीज़, मगर अमेजोन पे अभी ये अवेलेबल है 630 रुपीज़ में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्राइस जो है ऊपर नीचे जाती रहती है। और यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल्स है, तो अब इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं सारी की सारी जो भी इसके फीचर्स हैं उनकी। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाइट के बॉक्स में तो आपको लाइट ही मिलेगी यहाँ पे, और सही है ही, मगर हमें करना होगा इसका असली टेस्ट। तो अब मैं आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा 14 वॉट की एलईडी बल्ब के साथ, क्योंकि सभी कंपनीज में नॉर्मली सेम ही आती है। अब 14 वॉट के साथ 30 वॉट को क्यों कंपेयर कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीज़न है जो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बल्ब खरीदते हो 30 वॉट का, तो फिर आप लोग देख सकते हो बल्ब कितना छोटा रहता है, और जो इसका टी बल्ब का जो स्पैन होता है लाइट का काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड रहता है, और लाइट काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। तो यहाँ पे 14 वॉट को 30 वॉट के साथ हम लोग कंपेयर तो करेंगे ही, और साथ में फ्लिकर वगैरह का भी टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही लाइट के अंदर, ज़्यादा मतलब जरा भी डिफरेंस नहीं है। मगर फिर भी जो 30 वॉट की लाइट है वो एब्सोल्युटली ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। जो 30 वॉट की लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट दे रही है रूम में, मगर कैमरा में इतना अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि रूम जो छोटा होता है उसमें आप लोगों को 30 वॉट की लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो हॉल है घर में, या फिर रूम है, या गोडाउन वगैरह जहाँ पर भी आप लाइट लगाना चाहते हो, अगर वो 4 मीटर से ज़्यादा लेंथ में है या वेड्थ में है, तो ये आप लोग जाइए इस 30 वॉट की लाइट के साथ, वरना आप 14-15 जो भी आपको वॉट मिलते हैं उसमें भी आपका काम चल जाएगा, काफ़ी सही लाइट मिलेगी। तो ये जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जो कि मैं तो अगर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ शूट करता हूँ तो मेरे तो काम आ ही जाएगी, मगर नॉर्मल यूजेज में ये इतनी बड़ी लाइट आप लोगों को लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है तो आप लोग यूज़ कीजिए ऐसी बड़ी वाली लाइट को, वरना आप कम वॉट के साथ जाइए, बिजली भी बचेगी और काफ़ी सही भी रहेगा आपके लिए। तो अब मैं अगर आपको फ्लिकर टेस्ट करके दिखाऊं दोस्तों, तो फ्लिकर के अंदर आप लोग बाहर पहले देख सकते हो मैंने एवरेडी की जो 14 वॉट बल्ब लगाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर हो रहा है यहाँ पे। तो एवरेडी कंपनी की तरफ से फ्लिकर तो मिलेगा ही आपको, और अगर मैं अंदर जाता हूँ यहीं से ही सीधा का सीधा रूम में, जो 960p का जो स्लो मोशन मैंने ऑन करके रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं रूम में जाता हूँ अभी आप देख सकते हो ज़रा भी फ्लिकर नहीं है इस फिलिप्स वाली बल्ब के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी का तो काफ़ी ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल किया गया है, और काफ़ी सही है ये इस चीज़ में। तो आंखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इसके लिए, तो पढ़ाई वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो टी बल्ब को, जिसमें फ्लिकर नहीं होगा। तो डिसीजन आप लोगों को लेना होगा कि आपके लिए कौन सा वॉट जो है बेहतर रहेगा ऑप्शन, और अगर आप लोगों को सच में लगता है कि 30 वॉट वाली इस लाइट की ज़रूरत आपको है, तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो दोस्तों और कोई भी सुझाव वगैरह हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली कमाल की वीडियो में।